वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी बैक पर दिल से स्वागत है। आप मेरे परिवार की तरह, आपने मुझे 100K दिए फॉलोअर्स, दिए सब्सक्राइबर, विद इन 7 मंथ दिए, मैं आपका सिर झुकाकर थैंक्स करता हूँ। मैं हर गरीब माँ के बेटे की आंखें बनना चाहता हूँ जो विदेश में बसना चाहते हैं, और आपके लिए भाग कर मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाजी बता रहे हैं कि उन्होंने खुद बताया कि पुर्तगाल में एक D2 वर्क वीज़ा होता है, कोई लड़का इंडिया बैठा चाहे वो पाकिस्तान बैठा, वो अप्लाई कर कर अपने माँ बाप, अपनी बीवी, अपने बच्चे और भाई बहन में भाई बहन लेकिन माँ बाप, बीवी और बच्चे लेकर आ सकता है। वो D2 वर्क वीज़ा क्या होता है पुर्तगाल का, उसका डिस्कस डिटेल में करेंगे। पर आपको बताना चाहूँगा, मैंने पाजी के साथ नियरली 2 घंटे से वीडियो बनाया है, देख सकते हैं आप। 5 एपिसोड शूट किए हैं पर वो सारे एपिसोड आ रहे हैं दूसरा चैनल जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, गैरी टीवी। प्लीज़ गैरी टीवी को सब्सक्राइब करो। वहाँ पाजी खुलकर बोले हैं किसकी स्किल की डिमांड है, एक यूथ मोबिलिटी स्किल क्या होती है। पाजी यहाँ पर वो भी बोले हैं T5 जो एग्रीकल्चर वीज़ा होता है, टेम्प्रेरी एग्रीकल्चर वीज़ा, वो कैसे लेते हैं। पाजी बोले कि UK में PR लेनी ईजी है, बेबी बॉर्न होता है PR मिलती क्या नहीं मिलती, क्या टूरिस्ट या कन्वर्ट वर्कर होता है, स्टडी पर आओ क्या ऑप्शन होते हैं। पाजी ने वहाँ पर ग्रेजुएट के बारे में बोला, और पाजी ने बहुत खुलकर बोला है जो इंडिया और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है यूथ मोबिलिटी स्कीम जो यंग लोग के, वो कैसे मिलता है, कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पाजी खुलकर बोले। तो गाइस प्लीज़, मैं आज आपसे प्रॉमिस करता हूं हाथ पर रख के, गैरी टीवी जो दूसरा चैनल यूट्यूब उसका सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। आगे मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियो लेकर आऊँगा। तो बात करने का मन करता आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, मेरी आईडी रियल गैरी कुमार है, वहां बताता हूं कि कौन से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं सॉल्यूटर। और मैंने एक एपिसोड बनाया भी पाजी के साथ, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे थे डिलीवरी बॉय की जॉब फूड की UK में क्या डिमांड है, उसका एपिसोड भी बनाया, वो भी आप गैरी पर जाकर देख सकते हैं। तो आगे से कभी मैं अनाउंस करूं कि मैं पाजी के पास या किसी और के पास जा रहा हूं सॉल्यूटर, आप अपना क्वेश्चन जरूर पूछिए, ये आपका राइट है, और आप घर बैठे फ्री में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बाकी लोग हजारों रुपया देते हैं। तो गाइस प्लीज, मैं आपका फैमिली का हिस्सा हूं, तो बस एक इंसान तो वीडियो दिल खोल के लाइक करना, आप घर बैठे हो आप लाइक करोगे, आगे जाकर मैं अपने पुरस्कार में भाग कर भी जाऊंगा। तो पाजी वेलकम इन माय शो। मुझे नहीं पता D2 ये पुर्तगाल का वीज़ा क्या होता है, बताएं मेरा D2 वर्क वीज़ा क्या होता है, क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी कितनी कॉस्ट, सब कुछ बताएं। D2 वीज़ा होता है बिजनेस वीज़ा फॉर पुर्तगाल। ओके, D2 बिजनेस वीज़ा, डी ने बताया बिजनेस वीज़ा फॉर पुर्तगाल। उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तो कम से कम 20,000 यूरो की। तो उसमें आपको एक साल का वीज़ा मिलता है वहाँ पर बिजनेस खोलने के लिए। बिजनेस कोई भी हो सकता है, उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं, और वो हर 2-2 साल एक्सटेंड होता है। 5 साल के बाद आपको PR मिल जाती है। कितने पैसे इंडिया में स्पेंड करने पड़ेंगे? 20,000 यूरो 20,000 यूरो तो कम से कम 17-18 लाख हो गए। 17-18 लाख हो गए। अच्छा बस, अच्छा वहाँ पर जाकर फिर आपको बिजनेस खोलना पड़ता है। हाँ, और बिजनेस करना पड़ता है, चाहे आप वो रेस्टोरेंट खोल लो, चाहे रेस्टोरेंट हो, दुकान हो, ब्यूटी पार्लर हो, प्लंबर बन जाओ, कुछ भी हो सर, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड, कुछ हमारे लोग हैं उन्होंने टैक्सियाँ डाल ली, कुछ एक ने रेस्टोरेंट खोल लिया, एक ने बार खोल लिया, एक ने जूस बार खोला है, एक ने ब्यूटी पार्लर खोला है लड़की ने वहाँ जाके। अच्छा, तो कोई काम कोई भी लेवल का हो सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पाजी मैं आपको इससे पुर्तगाल पूछूंगा, बड़ा आजकल न्यूज़ चलती है पुर्तगाल एक ऐसी यूरोप की कंट्री है, जब मैं वीडियो मारता हूं कि वहाँ पर कागज जल्दी बनते पासपोर्ट, ये बात सत्य है? 5 साल के बाद मिल जाता है आपको PR मिल जाता है, आप वीजे के बीच बीच में आप आ जा सकते हैं, कोई कच्चा रहने की जरूरत नहीं है। अच्छा। कोई वहाँ इलीगल काम करने की जरूरत नहीं है। D2 में आप अपने वाइफ को भी या हस्बैंड को भी एंड बच्चे जो 18 साल के नीचे हैं उनको लेके जा सकते हैं। 1 साल के बाद में आप अपने माँ बाप को बुला सकते हैं वहाँ पे। UK में ला सकते हैं माँ बाप? UK नहीं, अपने माँ बाप को 2012 से बंद किया हुआ है, पर यूरोप D2 में पुर्तगाल में आप बुला सकते हैं। सो आपकी वहाँ बच्चों की पढ़ाई भी फ्री होगी, मेडिकल भी फ्री होगी आपकी। अच्छा। सो उसमें सभी ये सहूलतें हैं जो कि बहुत कम कोई और कंट्री ऐसा करती है। इवन UK में भी इमिग्रेशन हेल्प सरचार्ज होता है, पुर्तगाल में ऐसा कुछ नहीं होता। हर तरफ जहाँ वो होता है पाजी, जो जो आपको मेडिकल के पैसे देने पड़ते हैं NHS को, कि इतने पैसे यहाँ पर जो हॉस्पिटल है 624 पाउंड 62,000 रुपये, पर पुर्तगाल में आपको मेडिकल इंश्योरेंस मेडिकल पैसे देने नहीं पड़ते पुर्तगाल गवर्नमेंट को। पाजी अगर यहाँ पर हस्बैंड ये 17 लाख लेकर बिजनेस लेकर चलता है, केस लेकर चलता है, तो क्या उसकी वाइफ कोई और जॉब कर सकती है? हाँ बिल्कुल कर सकती है, वाइफ को किसके साथ भी कर सकती है, जो मर्जी करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप दो लोग कमाओगे फिर पैसा ना? बिल्कुल। और मामा भी काम कर सकते हैं अगर हट्टे कट्टे साल भर के बाद, क्यों नहीं करेंगे, शॉप में तो वही तो खड़ेंगे। जो लोग बुजुर्ग लोग अभी जाते हैं काम भी कर रहे हैं, आंटी खाना भी ना कर देगी इनको ना। देखो आंटी अंकल के लिए आपके आपके लिए बहुत काम है। हाँ, इसको कहते हैं सेवा। ये नहीं ये पखंड, ये सब पखंड करते हैं कि हम माँ बाप की सेवा करने, सेवा आपसे अभी करवानी है। अच्छा यार मुझे नहीं पता, D2 वीज़ा पाजी ने बहुत खुलकर बोला कि आपकी वाइफ भी काम कर सकती है, आपके माँ बाप भी कर सकते हैं, और आप तो चार लोग कमाओगे एकदम से। और टैक्स तो पे करना पड़ेगा ना? टैक्स तो पे करना पड़ता है, जैसे हमें UK में। हाँ हाँ, प्रीटी मच। हाँ, प्रीटी मच रूल से। तो पाजी आपने सिर्फ बोला है कि आपने बोला कि 17 लाख, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जब इंडिया से आप अप्लाई करते हैं? आपको दिखाना पड़ता है कि आपको फंड
फंड्स हैं आपके पास, आपको तीन महीने के सो आपको ये दिखाना पड़ता है कि आपके पास बिजनेस प्लान है, कि आप बिजनेस कौन सी करोगे, तो आप कौन सी अपनी फील्ड में करोगे. तो दैट्स बेसिकली व्हाट यू इंटरव्यू प्रोसेस होगा वो सब हम उसमें असिस्ट करते हैं. सो बेसिकली वी डील विद ऑल दैट ए टू जेड. पर पहले हम केस आपका असेस करते हैं कि आप उसके योग्य हैं या नहीं, आप इंटरव्यू कर भी पाएंगे या नहीं. इंटरव्यू होता है या आप अपने अपनी जुबान में दे सकते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं हिंदी में. तो कितनी अच्छी बात भाई. नहीं तो भाई जो 17 लाख है आप कोई बच्चे देख रहे हैं, क्या वो किसी से पकड़ कर वीजा लेकर वापस कर सकते हैं? नहीं, वो आपको बिजनेस में है लगाने पर, लेकर आने पर. ये शो मनी नहीं है, ये आपको बिजनेस में लगाने पड़ते हैं. पर रहने तो आप ही के पास है, क्यों आपकी बिजनेस उससे चलेगी, या आपको गवर्नमेंट को नहीं देना. हाँ जी, साथ में लेके आना पड़ता है. पुर्तगाल में जब एयरपोर्ट उतरते हैं तो क्या क्या चेक करते हैं? चेक करते 17 लाख तो. हाँ जी बिल्कुल, वो वीजा ही तभी इश्यू करते हैं अगर आप उनके बैंक में ट्रांसफर करने पड़ते हैं पहले. पोर्चुगीज में बैंक आपके नाम पर, आपके नाम पर, आपके नाम पोर्चुगीज बैंक पर. तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो पाजी. 17 लाख अगर ले रहे हो तो आपको साथ में लेकर आना पड़ेगा. और पुर्तगाल आपके अकाउंट में, पुर्तगाल में आपको बिजनेस भी खोलना पड़ेगा, लेकिन आपकी वाइफ और माँ बाप कोई भी काम. पाजी से ये चीज बड़ी अच्छी लगी, अगर वाइफ 17 लाख लेकर आ जाती, बड़ी दिमाग की बात है. हस्बैंड डिलीवरी बॉय की जॉब पर खूब पैसा कमा सकते, जो मर्जी करें. अगर डिलीवरी की जॉब बहुत चलती है सर, जो मर्जी करो. बच्चों की स्टडी फ्री है वहाँ पर, बिल्कुल. और डॉक्टर भी फ्री है. हाँ, तो बस आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए और 17 लाख में बस. हाँ, ओके, मेरे रिकॉर्डिंग चाहिए. yeah. अच्छा, और कुछ नहीं? कुछ नहीं. तो पुर्तगाल जाकर फिर आपको वीजा जब 1 साल का लेकर आप वहाँ पर एंटर होते हो, जैसे हमारे यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी नंबर है, मिलता है, वहाँ पे भी मिलता है. वहाँ पे मिलता है सेम चीज, नेशनल इंश्योरेंस नंबर. वहाँ पे हमारे लोग होते हैं. हाँ. जो आपके लिए बैंक अकाउंट भी खुलवा देते हैं, अकाउंटेंट भी पॉइंट कर देते हैं. एंड दे विल गेट यू नेशनल इंश्योरेंस नंबर, जो भी आप चाहिए. इफ यू वॉन्ट टू लुक फॉर अ हाउस ऑन रेंट और फ्लैट ऑन रेंट, वो भी दिलवा देते हैं. सो या देयर इज पीपल ऑन द ग्राउंड. सो पीपल जो अब पहले गए ही नहीं है, वो डर रहे हैं, पर वो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं. जो गए हैं वो तो दे एक्चुअली हैविंग अ गुड टाइम एंड एंड दे गोना गेट अ पीआर. यू आर वेरी नॉलेज पर्सन, आई एम गोइंग टू आस्क दिस. ही इज द ओनली सॉलिटरी मैट्रिक. आई ऑलरेडी शॉर्ट में 4-5 लोगों से बनाया, पर इनको यूरोप का बहुत अच्छी नॉलेज. जैसे आज माल्टा बहुत फेमस, आपको माल्टा, आप यू लव बिकॉज़ हॉलिडे अच्छा, आपने कितना समर बहुत है माल्टा. पाजी का फेवरेट ऑफ सोलिसिटेशन पाजी, ब्रिटिश है पाजी को माल्टा पसंद है. जिसको लड़का सोचता है चल 5 मिनट पुर्तगाल में रहता हूँ, पासपोर्ट लेता पुर्तगाल का, कैन ही गो टू माल्टा एंड वर्क देयर बिकॉज़ वहां का लाइफ स्टाइल. वंस यू हैव, वंस यू हैव अ यूरोपियन पासपोर्ट, यू कैन वर्क एनीवेयर इन द ईयू, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, कहीं पर. सर सबसे बेटर आइडिया है कि पुर्तगाल में अगर आप 5 साल गुजारो, आपके पास पासपोर्ट आ गया है पुर्तगीज का, आप आयरलैंड आ सकते हैं. आयरलैंड 5 साल निकालो, आपको आयरिश पासपोर्ट मिल जाएगा. आयरिश पासपोर्ट के साथ आप यूके आ सकते हैं, क्योंकि आयरलैंड आयरिश सिटीजंस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम ब्रेक्सिट. अच्छा, ये चीज. अच्छा, किसी ने अभी यूके आना है फॉर एग्जांपल, आपका लड़का वहां पे फूड डिलीवरी जॉब करता है, आप तो ये बात. तो 5 साल अपना बिजनेस पुर्तगाल करे, पुर्तगीज पासपोर्ट ले, आयरलैंड आए, 5 साल आयरलैंड रहे, आयरिश पासपोर्ट मिला, उसके बाद यूके आओ फ्री में. फ्री में 10 साल यूके, 10 साल का प्लान है. बट यहाँ पे तो 35 के कच्चे ही कितने लोग फिर पड़ रहे हैं. हाँ, आपके पास फिर भी 2-2 पासपोर्ट होंगे. पाजी मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, बड़ी क्लियरली बड़ी अच्छी आदमी बोली. पाजी आप उन बच्चों को देखिए, आप चलो मानते हैं आप तो बिजनेस, मैं तो इनका भाई की तरह भी हूँ, सब कुछ का भाई भी, कुछ का दोस्त भी हूँ. तो आप सजेस्ट ये करते हो कि इंस्टेड ऑफ यूके में ओवरस्टे करने से अच्छा है कि आप पुर्तगाल में जाए, आप इंडिया जा सकते ना. इवन कि आप यूके में रहते हो ना. सो ऑफ कोर्स, तो देखो कहीं भी कच्चे रहने से तो बेटर है कि किसी के यहाँ जगह वीजा में रहो. सो जो लोग के पास स्किल्स नहीं है, हाई स्किल्स है ना, जो लो स्किल्स वाले आपको पूछ रहे हैं कि सर मैं वेटर हूँ या क्या हूँ, या सर आप 17-18 लाख लगा के अपना बिजनेस करो और दूसरों को भी काम दो, है ना, और आप काम दो और अपना बिजनेस बढ़ाएं, अपना पीआर लें, पासपोर्ट लें, तो कहीं और शिफ्ट हो जाओ. एनीवेयर इन द ईयू यू कैन गो, एंड ईयू इज सदर्न आयरलैंड आल्सो. ओके सर. पाजी लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आपने डी टू वीजा के बारे में सारा बता दिया, बस लास्ट ही पूछूंगा. आपने बड़े थोड़े मीडियम स्किल बोले, पर यूके में बताएं आप मुझे, जो लोग मेरे दूसरे अनगेंटी में देते हैं, आपने बताया भी पहले भी, जो यूके में जैसे वेल्डर है, क्या इसकी शेफ है, प्लम्बर, इनकी डिमांड है, इनकी डिमांड है. अगर ये जब इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं ना दिल्ली में, पूरा क्वालिफिकेशन देखते हैं. सो इंडिया में क्वालिफिकेशन प्रूव करना इन चीज़ों में बहुत मुश्किल है. अगर मैं इंडिया में किसी मिस्त्री से कहूँगा आप मुझे क्वालिफिकेशन प्रूव करेंगे, उसके पास डिग्री तो होगी नहीं, उसके पास पे स्लिप तो होगी नहीं, टैक्स रिटर्न भी बहुत कम होगी. अच्छा, अगर हो तो फिर आ सकते हैं ना. वो सब प्रूव करना पड़ता है ना आपको यूके. हाँ, वो ये तो नहीं कहेंगे आप ईटेल लगा के दिखाओ मुझे एम्बेसी में.
पाजी ये नहीं कह रहे कि आप बहुत सारी बड़ी बड़ी डिग्री हो, इलेक्ट्रिशियन प्लंबर, पाजी कह रहे कि पर फॉर्मल क्वालिफिकेशन, फॉर्मल क्वालिफिकेशन जो आपने ट्रेनिंग कोर्सेज से मतलब छोटे, यू हैव टू, यू हैव टू प्रूव दैट इफ यू आर सेइंग यू गॉट 18 इयर्स एक्सपीरियंस, देन आई विल से ओके गैरी शो मी योर वेज स्लिप्स, है ना, दैट्स ही इज आस्किंग, हां शो मी योर P60, शो मी योर एम्प्लॉयमेंट लेटर्स, बैंक स्टेटमेंट आल्सो, ITR income tax, yes. तो व्हाट पाजी सेइंग है, धरनावत कलेक्शन बहुत लंबी है, लेकिन आपके पास जो पैसे अकाउंट में आ रहे हैं पे स्लिप ITR दिखानी पड़ेगी, आप काम करें, अगर आपका मन से यूके आने का, एटलीस्ट अगर आप कहेंगे शुरू कर लो ना एक साल पे, 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 अगर आप कह रहे हैं कि नहीं सब मुझे तो सब कुछ कैश ही मिला, वो कहेंगे बाय बाय सी, जो बच्चा डिलीवरी बॉय की जो आप प्लंबर इलेक्ट्रिशियन के यूके की बात ही पाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको पैसा अपने अकाउंट में डलाओ और आज से शुरू कर एक साल से अप्लाई करो तो आप शेफ वगैरह को जॉब मिल जाती है, अगर उनके पे स्लिप वगैरह सब कुछ यूके सर, जैसे कोई अब हायत शेरेटन में काम कर रहा है दिल्ली में, उसके पास सभी कुछ हो जाए, एक्सपीरियंस लेटर, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ITR रिटर्न होगा, पे स्लिप होगा, बैंक अकाउंट होगा, अब कोई ढाबा में काम कर रहा है उसके पास कुछ भी नहीं होगा, बेचारा खाना इतना अच्छा बनाता हूँ, So that's everything must be provable and traceable. तो guys पाजी ने बताया, तो पाजी इनका भी जो बोलते हैं आप इनको apply online करने चाहिए jobs, आप jobs तो किसी के पास नहीं है, ये have to apply job job sites. Yeah. तो guys अगर आपको कोई पूछा कि पाजी कहते हैं अगर आपने apply करना है welder की या plumber, electrician की या chef की, even कि आप engineer भी IT और mechanical कुछ भी हो, आप online apply कीजिए, job पाजी के पास नहीं, मेरे पास job नहीं, हम दोनों पहले कहा ना, हम दोनों के पास तो वीजाज है, वीजा आपको वैसे, पर पाजी ये कहना चाह रहे हैं आपको बहुत क्लियरली इतना टाइम निकाला कि आपने जो भी चीज लेनी है पैसा आपने कॉमेंट लो और आप ITR लो, और पाजी जो खुलकर D2 वीजा बोला है गाइस इस पर कंसीडर कीजिए, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन वेरी फॉर लेस अमाउंट, फॉर लेस, और प्लस आप पुर्तगाल की वेबसाइट गवर्नमेंट की उसकी भी बिल्कुल उस पे होगा सभी वापस जाए। तो गाइस ये था आज का वीडियो गैरी बैक पर, पाजी के 4-5 एपिसोड वहां भी बनाए, पाजी बहुत फेमस भी है यूके में, लोग हेल्प भी करते, तो आप प्लीज पाजी के वो भी वीडियो देखना, और इवन की आप भी आज से घर से मिलकर सीवी का लेटर बनाओ, और प्लीज आप भी फटाफट यूरोप, पाजी ने बता दिया, मुझे नहीं बताता, पुर्तगाल, आयरलैंड, देन यूके। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, वीडियो को प्लीज दिल खोलकर लाइक करके जाना, जाते टाइम प्लीज इंसानी तौर पर वीडियो को लाइक करना, मैं 2.5 hours से बोल रहा हूँ क्योंकि पाजी भी बोल रहे हैं, तो ऑन द मीन टाइम गाइस स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड, एंड थैंक्स फॉर मच पाजी अपना टाइम देने के लिए, थैंक यू सर, थैंक्स ऑडियंस, थैंक यू एवरीबॉडी इज वाचिंग, पर आपके फायदे के लिए, सो अगर आप सुनोगे तो आप ठीक में फायदे में रहो, फ्रॉड एजेंट बच जाओगे, एजेंट फ्रॉड बहुत पंजाब में तो बहुत है, बच के रहना, थैंक्स सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंड सी ऑल ऑफ यू नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।